और चलिए अब बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है। 632 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। नारी वंदन बिल के लिए पीएम का आभार सीएम योगी ने जताया है। आधी आबादी का पीएम ने मान बढ़ाया। नारी वंदन अधिनियम मील का पत्थर है। हर क्षेत्र में प्रदेश का विकास हो रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी की ओर से कही गई हैं। और बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहरवासियों को बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से दी गई है। करीब 632 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। बहनों, आप सब जानते हैं, वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का यह चतुर्थ संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को विवृद्धि करते हुए, उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है। और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक ओर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए कल्याणकारी कारक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण थी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार वे योजनाएं लागू हुई और उन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रभावी ढंग से इस सरकार ने लागू किया है, भाजपा की सरकार ने लागू किया है। नारी गरिमा के प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है। साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं।